ప్రమాణనయ కీర్తనం కదాగ్రహకర్తనం అనేకాంతార్థదం రత్నత్రయాత్మకం आप भगवान के सामने लाख पूजाएं विधान कर लो, आपको भगवान के सामने उनसे राग ही नहीं है कि जन्म जरा मृत्यु से रहित हैं और जन्म जरा मृत्यु से रहित होने के लिए हम पूजा कर रहे हैं, तो आपको कभी जो है धर्म का अनुष्ठान कोई अनुष्ठान कहलाएगा ही नहीं। पुण्य मिलेगा, अगला जन्म फिर मनुष्य मिल जाएगा या देव मिल जाएगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन जब तक भीतर से हाँ ये लाइकनेस अपने अंदर भीतर से नहीं आएगी, आई लाइक अरिहंताज, आई लाइक सिद्धा, आई लाइक माई सोल, आई लाइक प्योर सोल, जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक जो है भीतर से अनुराग के बिना धर्म प्रारंभ नहीं होता। ये अनुराग चाहिए, और जहां अनुराग आ जाता है फिर देखो आदमी जैसे इस दुनिया में आप देखते हो उसी के ख्वाब में डूबा रहता है, ऐसे अगर आपको भगवान के प्रति अनुराग आएगा तो आप उनके ख्वाबों में डूबोगे। हर जगह आपको भगवान दिखेंगे, सिद्ध दिखेंगे, अरियंत दिखेंगे, प्रतिमाएं दिखेंगी, बड़े बड़े नंदीश्वर के प्रतिबिंब दिखेंगे, सब दिखेंगे आपको। समझ आ रहा है? लुभाने की बातें मत करो, वास्तविकता की बातें करो, है ना। तो ये जो हमारी आत्मा के दर्शन ज्ञान आदि गुण हैं, इनसे आत्मा की पहचान होती है, समझ आ रहा है। और जो कर्म हैं, जो हमारे जिन कर्मों के अंदर कोई चेतना नहीं है, दर्शन ज्ञान गुण नहीं है, उनसे उन कर्मों की पहचान होती है। जो कर्म है वो जीव के लक्षण वाला नहीं है, और जो जीव का लक्षण है उसमें कर्म का लक्षण वाला नहीं, समझ आ रहा है। तो जीव को और अजीव को हम उसके गुणों के माध्यम से ही जानेंगे। तो गुण क्या है आत्मा के? ज्ञान, दर्शन, ये सुख, शक्ति आदि, ये आत्मा के जो गुण हैं, ये गुण हमारी उस आत्मा के अपने कहना चाहिए संपत्ति है, समझ आ रहा। और इसी से आत्मा की पहचान है, और बाकी जो चीजें हैं हमारे ऊपर आवरण के रूप में, वो सब हमारे कर्मों की मलिनता के कारण से, वो हमारा अपना धर्म अपना स्वभाव नहीं। तो पंचेंद्री का ये शरीर, मनुष्य का ये मन सहित जीवन इसीलिए है कि हमने इन पिछले दिनों में, इन पिछले जन्मों में इन रहस्यों को नहीं समझा, और अब हमारे लिए ये वो समय है जब हम आगे भी बढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं करेंगे तो पीछे तो गिरना निश्चित है ही। एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में अब आपको जो है अगर आगे बढ़ने का नहीं है तो फिर आपको पीछे गिरना तो बड़ा सरल है, बस क्या करना है, मूर्खता के भाव में जाना है, हाथ छोड़ दो जिस ऊंचाई पे पहुंच गए हो, जिस चोटी पे, और वहां पहुंचते पहुंचते हाथों के बल के सारे वहां पहुंचे, और वहां जाके हाथ छोड़ दो, बस अपने आप नीचे आ जाओ। समझ आ रहा है? हाँ, ये उन कर्मों के प्रभाव के कारण से वह उस ओर नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन जब उसके दिमाग में इतना भी आ रहा है कि ऐसा स्वभाव है, ये पहले उसके एक श्रद्धा में बैठ जाए, आस्था में बैठ जाए कि हाँ ये मेरी आत्मा का स्वभाव है, और ये कर्मों के कारण से स्वभाव पूरा ढका पड़ा है। इसलिए यहां समझने की चीज है आत्मा के गुण कैसे हैं। यहां ये नहीं बताया, अभी तो ये बताया है कि जीव मूर्तिक गुण वाला है कि अमूर्तिक गुण वाला है, ऐसा कुछ नहीं बताया। यूं बताया है कि जीव और अजीव ये दो द्रव्य हैं, और इनके गुण मूर्तिक और अमूर्तिक होते हैं, समझ आ रहा है। तो अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि जीव के गुण मूर्तिक नहीं होते हैं, अमूर्तिक होते हैं, और पुद्गल के गुण
मूर्तिक होते हैं, है ना। जीव के गुण अमूर्तिक होते हैं। अमूर्तिक का मतलब ये आगे आगे बताया जाने वाला है, ठीक है ना। एक गाथा और पढ़ते हैं अभी, इसका पद्यानुवाद। आत्मीय चिन्ह वस जीव अजीव, जो ज्ञान है जगत में अय जीव, वे सर्व चिन्ह गुण मूर्त, जो द्रव्य आश्रित विशेष स्वभाव। आगे की गाथा पढ़ते हैं। मुत्ता इंद्रिय गिज्झ पोगल दव्वप्पगा अणेय विधा, दव्वाण ममुत्ताण गुणा अमुत्ता मुड़े दव्वा। फिर पढ़े। मुत्ता इंद्रिय गिज्झ पोगल दव्वप्पगा अणेय विधा, गुड़ा अमुत्ता मुड़े दव्वा। देखो बहुत अच्छी गाथा है दोनों। मुत्ता इंद्रिय गिज्झा, मूर्त गुण कौन से होते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा गिज्झा माने ग्रहण करने योग्य होते हैं, ग्राह्य होते हैं, जिन्हें इंद्रियों से ग्रहण किया जाए वो गुण कैसे हो गए? मूर्त हो गए। किसके होते हैं? पोगल दब्बप्पगा, है ना। पिछली गाथा में नहीं बताया था इसलिए गाथा पढ़ी, क्योंकि वो भाव आपका अधूरा रह जाता। जो पुद्गल द्रव्यात्मक जितने भी द्रव्य हैं, है ना, उन पुद्गल द्रव्यात्मक द्रव्यों के अनेक विधा माने अनेक प्रकार के मूर्तिक गुण हैं, और वे मूर्तिक गुण कैसे हैं, उनकी पहचान क्यों मूर्तिक है? तो इंद्री गेज्जा, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होते हैं। दव्वाणम माने द्रव्यों के, अमुत्ताणम जो अमूर्तिक द्रव्य हैं उनके गुणा, अमुत्ता मुड़े दब्बा, सीधी सी बात है। अमूर्तिक द्रव्यों के गुण अमूर्तिक होते हैं, मूर्तिक द्रव्यों के गुण मूर्तिक होते हैं, हा? तो अमूर्तिक का मतलब, अमूर्तिक का मतलब नहीं, अमूर्तिक का मतलब होता है जिसमें कि स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अमूर्तिक। तो आत्मा के अंदर ये गुण नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण नहीं है। आत्मा के अंदर के जो गुण हैं वो ज्ञान दर्शन सुख चैतन्य आदि जो गुण हैं, ये सभी कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। और जो अमूर्तिक होगा तो वो इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखेगा। इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य है, और उसी के जो गुण हैं मूर्तिक वही दिखेंगे। समझ आ रहा? आप सफेद वस्त्र पहने हो, काला वस्त्र पहने हो, शरीर का रंग काला है सफेद है, ये सब क्या है? ये सब आत्मा की गुण नहीं है, ये सब किसके गुण है? पुद्गल आत्मक जो मूर्तिक द्रव्य है उस मूर्तिक द्रव्य के जो वर्ण गुण की ये सब परिणमन है जो हमें दिखाई देता है, काला सफेद नीला हरा पीला जो कुछ भी है। ये जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहा है, मिठास खट्टा मीठा जो कुछ भी हमें, चरपरा नमकीन जो कुछ भी हमें इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहा है, जो कुछ भी हमें सूंघ करके ग्रहण हो रहा है, देख करके ग्रहण हो रहा है, खा करके ग्रहण हो रहा है, स्पर्श करके ग्रहण हो रहा है, सुन करके भी ग्रहण हो रहा है, वो सब क्या है? इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाली हर चीज मूर्तिक है, क्योंकि मूर्तिक गुणों के परिणमन को ही हम ग्रहण कर रहे हैं। इंद्रियां मूर्तिक को ही ग्रहण करती हैं, इसलिए जो मूर्तिक द्रव्य हैं वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आ जाते हैं, लेकिन जो अमूर्तिक आत्मा है, अब क्या करोगे? लोग कहते हैं क्यों कर रहे हो ये सब, क्या समझ आ रहा है? कहाँ विश्वास कर लिया आपने? क्यों ये आपने व्रत संयम नियम धारण कर लिए? क्या ऐसे कोई भगवान दिखता है? क्या कभी आपको परमात्मा ने दर्शन दिए, ईश्वर दिखा है? समझ आ रहा है? आपको आत्मा दिखी है? जब आपको आत्मा दिखी नहीं तो आप किसके लिए तपस्या कर रहे हो? क्या समझ आ रहा है?
ये उन लोगों की बातें हैं जिन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता, ना आत्मा उन्हें मालूम है, ना उन्हें परमात्मा का कोई ज्ञान है, ना उन्हें ये मालूम है कि शरीर क्या है और शरीर से परे क्या है। ये जो बस किताबों में जितना सुन लिया पढ़ लिया, बस आत्मा मन शरीर ये शब्दावली बस इतना मालूम रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। कभी भी जब अमूर्तिक आत्मा कैसी है, अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक आत्मा के गुण भी अमूर्तिक हैं, माने उसका जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है, चेतना है, प्रकाश है, लेकिन वो एक चेतना का जो प्रकाश है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो अमूर्तिक है। उस प्रकाश में सब कुछ दिखाई देगा, आप उस प्रकाश से ही देख रहे हो, लेकिन वो प्रकाश आपको नहीं दिखाई देगा। क्या समझ आ रहा है, कितनी बड़ी चीज है। हम जब इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखते हैं तो उस पर विश्वास हो जाता है, लेकिन जो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा है, अब उसको हम कैसे जानेंगे। उस पर विश्वास तो हमें इन गाथाओं से ही हो सकता है। आंख बंद करोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर श्रद्धान हो गया है तो आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है, क्योंकि वो विषय हमारी आत्मा की श्रद्धा का है कि आत्मा अमूर्तिक है, उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण सब अमूर्तिक हैं, और जो अमूर्तिक है वो हमारे शरीर से ग्रहण करने में नहीं आ सकता, क्योंकि शरीर पुद्गल है, इंद्रियमय है, मूर्तिक है। तो अब हम अपनी आत्मा को कैसे देखें जाने। लोग कहते हैं क्या तुम्हें आत्मा दिखी, आंखों से दिखती क्या आत्मा। मुत्ता इंदी गेज्जा, मूर्तिक हो तो इंद्रिय से ग्रहण करने में आए, जब आत्मा अमूर्तिक है तो आंखों से कैसे दिखेगी। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग क्वेश्चन। जैसे क्रिकेट में व्हाइट बॉल होती ना, हाँ, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा व्यर्थ का व्यर्थ प्रश्न जिसको बोलते हैं। तो मूर्ख लोगों के माध्यम से, सॉरी मूर्ख से मतलब समझ रहे हो ना, जिन्हें कुछ भी नहीं आता जाता, वो भी प्रश्न तो ऐसे रखेंगे कि जैसे मान लो कितने बड़े ज्ञानी है, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं है। क्या समझ आ रहा है। तो उन लोगों के माध्यम से भी जो बिल्कुल अज्ञानी हैं, प्रश्न तो बड़े बड़े रखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें समझाने वाला समझा नहीं सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसे एक लाइन में कुछ भी समझ आने वाला नहीं। नहीं समझ आ रहा। ज्ञानी के सामने कोई मूर्ख आदमी आए और वह प्रश्न करके चला जाए तो बताओ, मूर्ख बोल रहा है, सामने चार लोग बैठे देखेंगे, ज्ञानी सोच रहा है कि इस मूर्ख को क्या बताऊं, ये कह रहा है तुझे आत्मा दिखी क्या, अब इसे कैसे बताऊं कि आत्मा दिखती नहीं, इससे यूं कहूं कि आत्मा दिखती नहीं, तो वो और कहेगा उल्टा, फिर काय को बैठे हो ऐसे तपस्या करने, हैं, और आत्मा दिख गई तो बताओ कहां दिख गई, कैसी है। तो ज्ञानी उस समय पर मौन हो जाता है। समझ आ रहा, ज्ञानी चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है इससे उलझने से कोई मतलब नहीं है। वो अपना ज्ञान दिखा के चला जाएगा चार लोगों के सामने, और ज्ञानी चुपचाप बैठा रहेगा मूर्ख की तरह। ये भी एक उल्टा परिणाम समझना, समझ आ रहा है ना। हाँ, ज्ञानी मूर्ख बन जाएगा, और मूर्ख उस समय पर ज्ञानी बन जाएगा, बन जा। लेकिन उस ज्ञानी को इतना मालूम है कि ये अभी जो मैं कर रहा हूं उससे बिल्कुल भी परिचित नहीं है, और ये अपने अभी इतने उद्रेक में है कि अभी हम इसको कुछ सही भी बताएंगे कुछ समझ नहीं आने वाला। अब जब आदमी अपने ही सेंस में या अपने ही जो है कहना चाहिए भाव में नहीं है, तो उसको जब आप बताने बैठो कि भाई आत्मा कभी इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, तुम्हारी हंसी करके चला जाएगा। ये तो तब होता है जब आदमी शांति से बैठा हो, सुन रहा हो, जिनवाणी सुनने का भाव लेकर के बैठा हो, तब ये धीरे धीरे बात जो है आदमी के कान तक पहुंचे तो समझ आती है। और भड़बड़ी में कोई आए प्रश्न उत्तर करने लग जाए कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए जो है ये ज्ञान धीरे धीरे हमारे श्रद्धा को, हमारे चेतना को अपने आप जो है बढ़ाता चला जाता है। आपकी समझ में आने लग जाना चाहिए कि आत्मा अमूर्तिक है, उसकी ज्ञान दर्शन आदि सुख गुण सब हम उनका उपयोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब उसी आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का परिणाम चल रहा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा। विज्ञान परेशान है, दिमाग की खोपड़ी की उसने एक एक नसों पे कितने करोड़ों रुपए लगा डाले हैं,
ज्ञान आता कहां से, विचार आता कहां से, मस्तिष्क चलता कैसे? जब तक आदमी का मस्तिष्क चल रहा है तब तक उसकी खोपड़ी बंद रहती है, वो दिखाई नहीं देती। वो खोपड़ी खोल देता तो उसका मस्तिष्क चलता नहीं, तो उसको उसमें कुछ दिखता नहीं है। समझ आ रहा है? विज्ञान पगला रहा है बिल्कुल। हाँ, बस इतना ही समझ में आता, कुछ है माइंड, माइंड तो वो माइंड ही माइंड के पीछे पड़ा रहता है बस। मन मन कुछ है, चल रहा है भीतर, कुछ चाह रहा है, कुछ विचार आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है, बस वो ऐसे चलता रहता है। आइडिया, इमेजिनेशन, समझ आ रहा है ना? बस इसी में बस पड़ा रहता है। और देखो जाके तो कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। हृदय में पंपिंग हो रही है ना, उसमें कहीं मन दिखाई दे रहा है ना, ब्रेन में कोई विचार का कोई रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? जब खोलोगे ब्रेन तो क्या मिलेगा? है? बस नसों का जाल फैला हुआ है। अब इतनी सी बस नॉलेज कर ली, एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक लेफ्ट हिप्पोकैम्पस, एक राइट हिप्पोकैम्पस है। समझ आ रहा है ना? बस ये चलता है तो ऐसे विचार आते हैं, ये चलता है तो ऐसे विचार आते हैं। बस एक अपनी ये कल्पना कर ली, साइंस बन गया। है क्या है? रियलिटी तो कुछ ही नहीं है। विचार कहाँ से आएंगे? ये कोई तो ऐसी चीज समझता है विज्ञान तो, जैसे आपने पतीली में जैसे दाल या चावल उबालने को रख दी हो ना, फिर वो खदबद 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 होते ना, हाँ, तो वो खदबद खदबद हो रहे हैं जो, तो वो ही समझता है कि ऐसे ही जो है अपना शरीर है, मन है, उसमें मन खदबद 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 विचार जो है उसके करते रहते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता है। हाँ, तो शरीर है तब तक मन है, विचार है, मस्तिष्क है, चल रहा है काम। आत्मा, आत्मा तो कहां मिलेगी जब इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य ही नहीं है? पोस्टमार्टम कर लो, चाहे कोई सा भी मार्टम कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो कैसे साइंस इस आत्मा को समझ सकता है? और जो साइंस पढ़ने वाले और उसी पर विश्वास रखने वाले, उन्हें ये कैसे विश्वास हो सकता है? उन्हें कैसे साइंस समझ आ सकती? जो चीज इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, काम उसी से चल रहा है, देख हम उसी से रहे हैं, अपनी आत्मा की दर्शन शक्ति से, जान अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति से रहे हैं, सुख दुख अपनी आत्मा के ही वेदना के माध्यम से महसूस कर रहे हैं, चेतना के माध्यम से, लेकिन इंद्रिय के द्वारा कुछ भी ग्राह्य नहीं है। कान के द्वारा मन अगर काम कर रहा हो तो इतना ग्राह्य हो सकता है कि हाँ, आत्मा इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है। ये भी अगर हम इतना ग्रहण कर लेंगे तो ये हमारे सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और आत्मा के अंदर का मिथ्यात्व, यानी विपरीत बुद्धि, विपरीत श्रद्धा, इसी से मिट जाती है। पहले इतना तो ध्यान में आए, मन के पीछे पड़ी दुनिया, हृदय के पीछे पड़ी, मस्तिष्क के पीछे पड़ी, बस और कुछ नहीं। आत्मा को जाने बिना, इसीलिए कहा जाता है सब कुछ अज्ञान है, सब कुछ अंधेरा है। और वो जानने का मतलब यही है कि इन गाथाओं के माध्यम से आप सही श्रद्धान करो, ज्ञान करो, ये क्या कहा जा रहा है। आत्मा अमूर्तिक है, उसके गुण अमूर्तिक हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर का जो उसके गुणों की शक्ति है, उसी से ये सब कुछ, मन शरीर आदि का निर्माण हुआ है, उसी का ये काम है जो सब चल रहा है। मन के पास ज्ञान नहीं है, आत्मा से ज्ञान मन में आता है। इंद्रियों के पास ज्ञान नहीं है, इंद्रियों के पास भी ज्ञान आत्मा से ही आता है। ये सब सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ परसेप्शन, समझ आ रहा है? ओनली द सोल, बस और कुछ नहीं है। तो ये चीज समझे बिना हमें कभी भी ये नहीं महसूस हो सकता कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। ठीक है, इसकी व्याख्याएं और भी अच्छी हैं। ये इंद्रियां पकड़ती गुणमूर्त ताते, होते अनन्य जद पुर्गल के, होते अमूर्त गुण द्रव्य अमूर्त, स्वीकारते ना इसको सठ। देखो आचार्य महाराज ने भी लिख ही दिया, सठ धूर्त होते, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती। चलो ठीक, अमूर्त स्वभावो हम, अमूर्त स्वभावो हम,
शरीरम इंद्रियात्मकम् शरीरम इंद्रियात्मकम् शरीरम मूर्तम् आत्मा अमूर्तः। सोहम् 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 अरहम्। कल 141 गाथा पढ़ी थी, उसी को आज पुनः पढ़ते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। मुत्ता इंद्रिय गेज्ह दुप्पुगल दव्वप्पगा अणेय विधा दव्वाण ममुत्ताणम् गुड़ा अमुत्ता मुड़े दव्वा। इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव द्रव्य के जो गुण हैं उन गुणों का स्वरूप बता रहे हैं। जो मूर्त गुण होते हैं और जो अमूर्त गुण होते हैं वो किस तरीके से ग्राह्य होते हैं ये बताया जा रहा है। जो मूर्त गुण होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होते हैं और जो अमूर्त गुण होते हैं उन्हें हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये ज्ञान इसलिए नहीं मिल पाता कि उसे कभी भी आचार्य प्रणीत ग्रंथों का प्रणयन करने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। जो ज्ञान हमें आचार्यों ने दिया है वो साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी से निस्सृत होता है और उस ज्ञान को पढ़कर के ही समझ कर के ही हमारा आत्मकल्याण हो पाता है। हर कोई दुनिया में शरीर को देखता है, मन को जानता है और शरीर और मन के पीछे भी एक आत्म तत्व है, उसके विषय में भी दुनिया के लोग तरह तरह से अपनी कल्पनाएं करते हैं। जहाँ तक दुनिया को पढ़ने का सवाल है, पश्चिम के जितने भी वैज्ञानिक कहें, दार्शनिक कहें, वे मन तक ही सीमित रह जाते हैं, आत्मा तक कभी पहुँच नहीं पाते। मन के परे आत्मा नाम की कोई भी चीज़ उनके विश्वास में, उनके ज्ञान में नहीं आती, जो पश्चिम के दार्शनिक लोग हैं। किंतु भारतीय दर्शन में आत्मा का अस्तित्व माना गया और आत्मा का जो गुण है उस गुण को भी ध्यान में रखते हुए लोगों ने उसे स्वीकारा, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने तरह से आत्मा को मानते हैं। कोई कहता है कि आत्मा केवल शुद्ध ही रहती है और उसमें किसी भी प्रकार का कभी भी अशुद्धि उसके अंदर नहीं आती है, एक दूसरा तत्व है जो उसके ऊपर आ जाता है जिसके कारण से संसार चलता रहता है। हमारा शरीर है, शरीर के अंदर इंद्रियाएं हैं और इंद्रियों के भी परे मन है। मन से भी बढ़कर के एक चीज और आती है जिसे बुद्धि कहते हैं और फिर बुद्धि के पार कुछ होता है जो लोग अलग अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। बुद्धि के पार क्या होता है? अब बुद्धि के पार जो कुछ है वो आत्मा और कर्म के संयोग से घटित होने वाला परिणमन है। आत्मा में कर्म का जब संयोग हो जाता है तो वह कर्म के संयोग से आत्मा के अंदर ऐसा अशुद्ध परिणमन होने लग जाता है कि उसी परिणमन के कारण से वह आत्मा अपने अंदर
अपनी बुद्धि तक, अपने मन तक जितने भी भाव प्रेषित करता है वह सब उल्टे और अशुद्ध होकर के आते हैं। आप सोचते हो ज्ञान मन में होता है, बुद्धि बुद्धि में होती है, लेकिन मन में भी और बुद्धि में भी ज्ञान को प्रेषित करने का काम आत्मा करती है। आत्मा के माध्यम से ही ज्ञान और बुद्धि तैयार होती है। इसलिए आत्मा के अंदर जितनी योग्यता होगी, आत्मा जिस रूप में अपने ज्ञान का क्षयोपशम बना करके रखी होगी, उतना ही ज्ञान वह मन तक और बुद्धि तक आता है। मन और बुद्धि के परे जो ये आत्म तत्व का फंक्शन चलता रहता है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, सुन पाते हैं या समझ पाते हैं। ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आत्मा की श्रद्धा, आत्मा को जाने बिना आपका कोई भी धर्म शुरू ही नहीं होना है। समझ आ रहा है? क्योंकि धर्म की शुरुआत किसके लिए, धर्म किसके लिए? अगर आपसे पूछा जाए आप धर्म कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आपने कहा अपने लिए कर रहे हैं। अपने का मतलब क्या होता है? अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से निकल जाए महाराज, सब अपने काम बनते चले जाएं, अपने को धन संपत्ति लक्ष्मी सब मिलती चली जाए और अपना सब काम बनता चले जाए, इसके लिए हम जो है धर्म करते रहते हैं। तो आपका ये धर्म केवल बस आपके कुछ भौतिक सुखों के लिए रहा और वो कुछ इसी जन्म के लिए रहा, आगे के लिए कुछ नहीं रहा। अगर आपका धर्म का संबंध केवल इतने ही भौतिक सुख के लिए रहा और इसी धन आदि की प्राप्ति करने के लिए रहा, तो फिर अगले जन्म के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपने किया अपने मन के सुख के लिए किया, वह मन का सुख भी आपको मिल गया, लेकिन मृत्यु के बाद में वो मन भी यहीं छूट जाना है, शरीर भी यहीं छूट जाना है, अगले जन्म में आपके साथ क्या जाएगा? समझ आ रहा है? ये चीज जब तक आप नहीं भीतर ध्यान में रखोगे, तब तक कभी भी आपके लिए धर्म किसके लिए करना, अपने जीवन के लिए करना, ऐसा कहना भी जो है एक तरह से भौतिकवाद की तरफ जाना है। अपना जीवन के लिए करने का मतलब अपने थोड़े से आराम के लिए, अपने सुख के लिए हम कर रहे हैं, इसका मतलब इतना ही होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने आत्मा के उत्थान के लिए कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के विकास के लिए कर रहे हैं, तो जब आपको आत्मा के अस्तित्व का भान होगा तभी ये जीवन आपके साथ आगे चलेगा। तो इसलिए आत्मा का सही ज्ञान, आत्मा की सही अवधारणा हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आत्मा दिखेगी नहीं, ये आपको कल भी बताया था, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है मुत्ता इंद्रिय गेज्जा। इंद्रियों के द्वारा जो चीजें ग्रहण करने में आती हैं वो मूर्तिक होती हैं। मूर्तिक का मतलब वह होता है जिसमें कि पौद्गलिक पदार्थ, जिसको हम समझ लें मैटरलिस्टिक चीजें जो होती हैं, बस वो मूर्तिक कहलाती हैं। जिसे हम भौतिक पदार्थ समझ लें वो मूर्तिक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में स्पर्श रस गंध वर्ण के गुणों का परिणमन होता रहता है वो सब पदार्थ मूर्तिक कहलाते हैं। तो वे मूर्तिक चीजें ही इंद्रियों से ग्रहण करने में आती हैं, अमूर्तिक चीज कभी भी इंद्री से ग्रहण करने में नहीं आएगी। आपने एक विधान किया है, मुनि सुब्रत नाथ विधान, सुन रहे हो? एक नया विधान है और इस विधान में पहली बार कुछ नया प्रस्तुतिकरण किया गया। समय सारजी महाग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद भगवान का जो ग्रंथ है उसमें आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने आत्मा की शक्तियों का वर्णन किया है और वह आत्मा की शक्तियां उन्होंने 47 शक्तियों का उसमें उल्लेख किया। आत्मा की भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां भिन्न भिन्न तरीके से काम करती हैं और उन आत्मा की शक्तियों को हम तब जान पाएंगे जब हम पहले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। आत्मा नहीं दिख रहा,
आत्मा की शक्तियां सब काम में आ रही हैं, लेकिन आपको आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि आत्मा आपको दिख नहीं रहा है। आपके शरीर में भी आज जो शक्ति है, जिस शक्ति से आप यहां बैठे हो, सुन रहे हो, मन आपके लिए समझ पा रहा है, जो हम सुना रहे हैं वो समझ पा रहा है, ये सब भी मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, जो आप बोलते हो वचन, उस वचन की शक्ति, ये शक्तियां कहां से आ रही हैं? शरीर के अंदर शक्ति तभी तक है जब तक उसमें आत्म तत्व का स्थान है, आत्म तत्व का उसमें वास है। आत्मा के निकलते ही ये सारी की सारी चीजें यहीं पड़ी रह जाती हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं रहती, आत्मा की शक्ति से ही ये सब काम चल रहे हैं। लेकिन वह आत्मा की शक्ति का हम आत्मा ही दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। समझ आ रहा? शक्ति वाला तो शक्ति दे रहा, अब वह शक्ति हमको मिल रही है, हम उस शक्ति का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं? ये हमारी दुर्बुद्धि भी हमारे ही आत्मा के ऊपर डले हुए आवरणी जो कर्म है उनके कारण से हो जाती है। हमारी ही अपनी बुद्धि उल्टी चलने लग जाती है, हमारे ही कर्मों के बंध के कारण से हमारा ही कर्म हमारे ही हित में काम नहीं करता, हमारे लिए अहित का काम करता है, तो हमारी बुद्धि को उल्टा चलाता है। आत्मा के अंदर की शक्ति है, लेकिन वे सारी शक्तियां आत्मा के अपने काम में कुछ नहीं आ रही है, दूसरों के काम में आ रही है। समझ आ रहा है? आत्मा के लिए कर्म का संबंध था, कर्म से उसको शरीर का संबंध बना, शरीर होने पर उसके लिए इंद्रियां मन ये सब मिल गए, लेकिन उसका विकास केवल इन इंद्रियों और मन तक ही सीमित नहीं रहा। अगर आपसे आज पूछा जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो केवल अपने शरीर तक ही सीमित हैं, अपने मन से केवल बस अपना शरीर अपनी आत्मा का ही काम लेते हैं और किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा दुनिया में। क्या समझ आ रहा है? शरीर के लिए क्या आवश्यक है? थोड़ा सा हमारे लिए भोजन, पहनने के लिए थोड़े से वस्त्र और रहने के लिए एक चार दीवारी। समझ आ रहा है? इतना ही आवश्यक है ना। शरीर को चलाने के लिए रोटी चाहिए, एक सभ्यता के नाम पर आपको सभ्य बने रहने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, और अपने आप को थोड़ा सा धूप से, गर्मी से, ठंड से बचाए रखने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए। यही तीन जरूरतें हैं ना। आपके शरीर की जरूरत केवल इतनी है, और यही जरूरत आपके मन की जरूरत बननी चाहिए, लेकिन मन के कारण से आपकी ये जरूरतें इतने में पूरी नहीं होती हैं, इसके अलावा बहुत कुछ आपके अंदर आने लग जाता है। क्यों आने लग गया? ज्ञान हमारे पास था, शक्ति हमारे पास थी, हमने उस शक्ति का विकास करना है तो उसको करने के लिए हम बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर चलते चले गए। क्या करना? केवल रोटी से काम नहीं चलेगा, हमें इतनी अपने पास में संपदा रखनी है कि हम उससे कई हजारों की रोटियों को बना सकें और कई हजारों की रोटियां हमारे अंडर में आ जाएं, वो हमसे रोटी मांगे। नहीं समझ आया? इतनी संपदा अपने को रखना है। हमारे लिए कपड़े से काम चल जाता, लेकिन वो सामान्य कपड़ों से भी काम चलता, लेकिन हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो शरीर और इंद्री के लिए नहीं, मन की इच्छा के अनुसार, मन के ज्ञान के अनुसार, मन की देखा देखी के अनुसार आ जाती हैं। ये जरूरतें हमारी अपनी नहीं थी, ये किसकी जरूरत बनी? ये मन की जरूरत बनी। लेकिन मन की ये जरूरतें कैसे बनी? हमारे आत्मा के ज्ञान से बनी कि मन के ज्ञान से बनी? आत्मा का तो काम था मन के पास तक ज्ञान प्रेषित कर देना, मन के पास तक ज्ञान पहुंचा देना, अपनी शक्तियां मन के पास तक पहुंचा देना, लेकिन मन ने इंद्रियों के माध्यम से,
बाहरी जगत में आकर के उन शक्तियों का ऐसा उपयोग किया कि उसने आत्मा की दशा को दुर्दशा में बदल दिया, आत्मा को बंधन में डाल दिया और स्वयं मन मुक्त होकर के संसार में विचरण करता है। इंद्रियों के माध्यम से वह अपनी हर एक इच्छाओं की तलाश करता है और पूर्ति करता है। मन ने आत्मा के ऊपर एक ऐसा धावा बोल दिया कि वह इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को ही दुख देने लगा और आत्मा को यह भान ही नहीं रहा कि हमने अपने साथ क्या कर लिया। क्या समझ आ रहा है आपको? मन ने अपने आप को इस बाहरी जगत से जोड़ लिया। आत्मा की शक्तियां मन के लिए थीं, लेकिन इसलिए थीं कि वो मन के माध्यम से अपने आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्म हैं उन कर्मों को हटाए और आत्मा की शक्तियों का विकास करे तो ये मन का पाना सार्थक होता। लेकिन मन ने उल्टा किया, इंद्रियों से जुड़ा, शरीर से जुड़ा और बाहरी जगत से जुड़ा और ये बाहरी जगत में घूमते घूमते जुड़ते जुड़ते आत्मा बहिरात्मा बन गया। सर्वभव व्यार्थिनाम मुक्ति मार्गेषिणा मात्म दृग् बोध सौख्याधिकाकांक्षिणां येन वृत्तं प्रदत्तं हिनिःश्रेयसं तुङ्गकुन्दं मुनीशं सुनेतं।